सामने आई, कहानी पे सामने आई। अच्छा, और वो कहा गया दिनेश जी कि मैं रिएक्शन करूँगा, मैं एक्टर बनूंगा, तब आपका क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं, मैंने बोला करो करो, और कुछ नहीं। कितना बजट हुआ, क्या होगा, क्या कहानी है? हाँ, बजट दिया था, बजट दिया था, बजट के हिसाब से वो काम कर दिया पूरा। तो कहानी बहुत पसंद आई थी या फिर क्या? नहीं, पसंद आई थी कहानी, पसंद आई थी। ये लगा था कि सिंगम जैसी फिल्म बनेगी। हाँ, लगता था ऐसा ही था। साहब कुछ बोलेंगे के बारे में? फिल्म की रिलीज हम लोग कर रहे हैं अभी, जूनियर्स के नाम से हमारी कंपनी। तो मुलाकात हुई, फिल्म देखी, प्रोमो देखे, पहले लांबा साहब से, दिनेश लांबा जो के एक्टर, उनसे बातचीत हुई और देखा फिल्म, और फील बहुत बेहतर आया। फिल्म लगी ये देश की है, लाइन ऑफ गुजरात एक नाम, उसके पीछे एक आईपीएस ऑफिसर की फाइट और उसका दिलेरी, उसका जिगर, वो देखते देखते और सिस्टम उसे कहाँ तक ले जाता चला जाता है। फाइनली सिस्टम उसको बचाता है, लेकिन वो आदमी एक लास्ट में वॉचमैन तक पहुँचता है, कुछ टाइम के लिए से, लेकिन वो स्थिति उसकी वैसी बनती है। तो उग्रवाद से लड़ना और उनके साथ इतनी दिलेरी से करना, या आईपीएस कैसे जान की बाजी लगाते हैं, वो बड़ा बेहतरीन तरीके से देखता है। वो देख कर मुझे लगा कि ये फिल्म लोगों को देखनी चाहिए। इस तरह की फिल्म तो चलो आप जैसे प्रोड्यूसर होते फिल्म बन जाती है, लेकिन उसकी मार्केटिंग से बेचना और लोगों तक लेके जाना, ये काफ़ी कठिन काम है। ये सच में बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट क्या है, आप हम हिंदुस्तान में एक फेस वैल्यू को लेकर हम बहुत काउंट करते हैं। कई बार क्या होता है, फेस वैल्यू वो वर्क नहीं भी कर रहा होता तब भी वो हिट है। कुछ बेहतरीन अदाकार, बेहतरीन स्टोरी, अच्छी स्क्रिप्ट, ऐसी फिल्में हैं जो बन गई, बनने के बाद कई बार वो प्रमोशन का इतने बड़े प्लान में नहीं जा पाती, थिएटर्स उनको नोटिस नहीं करते, कॉरपोरेट उनको देखता नहीं है, और वो फिल्म को रिलीज़ कैसे किया जाए, ये पावर गेम है। ये पावर गेम में हम अच्छी फिल्म को कैसे ला पाएँ, इसी के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। अभी हम छोटी शुरुआत है, हमारे पास कई बार पैसा कम होता है रिलीज़ करने का, तो हम एक टेरिटरी पकड़ लेते हैं, उस टेरिटरी को क्लियर करके फिर पूरे इंडिया में मूव करते हैं। हर तरफ UFO ये सब के फर्स्ट वीक के कॉस्ट ज़्यादा है खर्च, उसमें हम रिलीज करने जाते हैं तो बहुत भारी पैसा चाहिए। हम उन चीज़ों को बचाकर कुछ ऐसे स्मार्ट प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक छोटी फिल्म रिलीज़ हो पाए, वो रिलीज़ हो पाए, कम से कम थिएटर देखेगी, लोगों को पसंद आएगी, चाहे वो 100 थिएटर हो, चाहे वो 50 हो, लेकिन फिल्म पसंद आएगी, फिर पूरे इंडिया में फालतू पैसा, अच्छा पैसा लगाकर उसको रिलीज़ कर सकते। अच्छी फिल्में पहुँचाना ही हमारा मकसद है, ईमानदारी से पैसा प्रोड्यूसर तक पहुँचाना हमारा मकसद है। कितने कामयाब होंगे सिस्टम में अभी ज़्यादा नहीं पता, वक्त बता देगा कि क्या कर पाएंगे। सब्जेक्ट मैटर नहीं, सब्जेक्ट क्यों नहीं, अभी अगर मैं स्टार कास्ट नहीं ले रहा, बड़ा कास्ट नहीं ले रहा, तो सब्जेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है, और फिल्म भी मैं उसी पर उठाऊंगा, हम लोग फिल्म भी उसी पर उठाएंगे कि अच्छी गटसी स्क्रिप्ट हो, उसके ऊपर अदाकारी बेहतरीन हो, कुछ मैसेज जा रहा हो सोशल में। हम लोग लगातार सोशल फिल्मों की तरफ देख रहे हैं, उनको कमर्शियल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो लोग और एनकरेज हों अच्छी फिल्में बनाने के लिए। आज हम एक कमर्शियल फिल्म अनाप शनाप बना के करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन फाइनली अच्छी फिल्म वाले कहाँ हैं? जो एक दिल से एक आर्टिस्ट है, फ्रेमिंग अच्छी जानता है, DOP एक लाजवाब फिल्म निकल कर आई, लेकिन उसका थोड़ा सा वो फिल्म एंटरटेनिंग लेस है, लेकिन सोशल मैसेज लाजवाब है, लोगों तक वो फिल्म नहीं पहुँचती, क्योंकि थिएटर में लगता है लोग आएंगे नहीं, लोगों में समझ है, थिएटर उनको फिल्मों तक नहीं लाना चाहते, कई दफ़ा ऐसा भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटर लोग खरीदते भी नहीं, कहीं डिस्ट्रीब्यूटर का, डिस्ट्रीब्यूटर को तो कमर्शियल वैल्यू लगती है। कई बार क्या होता है, हम लोग जब हम एक फिल्म बनाना शुरू करते हैं और हमें एक ख्वाब दिखा दिया जाता है, फिल्म बनेगा, फटाफट ये फिल्म को आउटलेट कर दिया जाएगा, ये एक ऐसा भ्रम है कि आउटलेट के टाइम में जब लोग आते हैं तो 100 रुपये का 10 रुपये पकड़ाते हैं, तो कैसे दें? और अगर फिल्म अच्छी है तो पैसा रिलीज़ करने के लिए कम होता है, तो वहाँ प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे कमर्शियल बनाना चाह रहे हैं जिससे छोटी फिल्में अच्छे तरीके से जा पाए, ये कोशिश है। कितनी सफल, और भी बहुत लोग सोच रहे हैं, काफ़ी लोग सोच रहे हैं। पीछे मैं मुकेश भट्ट जी के भी इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी बेचैन थे कि क्यों नहीं अच्छी और अननोन फेस भी हों, अच्छी फिल्म हो तो क्यों नहीं उनको बहुत लोग कर रहे हैं। इवन TP अग्रवाल साहब भी ब्लॉकबस्टर वाले हैं, उनसे मेरी कई दफ़ा बात हुई, वो भी ये चाहते हैं कि छोटी फिल्में अच्छे से आएँ, अच्छी फिल्में आएँ। छोटी फिल्म का मतलब कुछ नहीं होता, अब अच्छी फिल्म से मतलब है, अब बजट की नहीं है, अगर हम अच्छी फिल्म बना कर 100% ये आएँ। और मेन बात है कि इन जो ऐसे प्रोड्यूसर जो आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, बाद में उनको किसी ना किसी तरीके से फिल्म भी नहीं रिलीज होती, लॉस दे दू के वो घर में चले जाते हैं, सेकंड फिल्म अटेम्प्ट ही नहीं करते। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग उन लोगों को एनकरेज करें और कम से कम उनका पैसा पूरा अधूरा घर तो पहुंचाएं, और ये हमारा मकसद, ये हमारा मकसद है। अभी नया है, अब आगे देखते हैं क्या है,
आप लोग कैसे इसको अपने मीडिया से भी इन चीजों करेंगे कि लोग आए देखने। देखें बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, लेकिन वो आप देखते होंगे एक ही तरीके की फिल्म चली आ रही है, वही स्टोरी लाइन क्यों नहीं बदल पा रही है कि जो अच्छी फिल्में हैं वो अच्छे से प्रॉपर दब जाती है, वो चीज को बाहर।